तो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू भार्गव इन जर्मनी। तो आई होप कि आज आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एज अ स्टूडेंट, एज अ टूरिस्टर या एज अ वर्कर आप जर्मनी आ रहे हो तो आपको कौन से रूल्स है जो बिल्कुल ब्रेक नहीं करने हो और उसके बारे में ध्यान रखना है। तो यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ आपको मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रूल्स है वो आपको मस्ट फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो चलो मैं आपको सब बताता हूँ डिटेल में कौन कौन से रूल है। तो चलो शुरू करें। तो हम बात करते हैं पहले रूल्स की। तो आप यहाँ पे नाजी साइंस यूज नहीं कर सकते हो और एच वर्ड भी यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपने ऐसा किया तो आपको यहाँ बैन, मतलब ये यहाँ पे बैन है, तो आपको यहाँ बहुत बड़ा फाइन लग सकता है। मतलब नाजी साइंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये लास्ट यूज हुआ था वर्ल्ड वॉर टू पे, उसके बाद यहाँ पे ये बैन है। क्योंकि अगर आपने अपनी नई कार ली है और उस पर आपने स्वस्तिक किया तो आपको बहुत बड़ा फाइन आ सकता है, तो आप वो यहाँ यूज मत करना। फिर हम बात करते हैं नाजी सैल्यूट के बारे में, वो भी आप यहाँ नाजी सैल्यूट नहीं कर सकते हो क्योंकि वो यहाँ अलाउड नहीं है, वो पूरी तरह से बैन है। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर की, मतलब जो आप यहाँ वॉर के बारे में कुछ भी बात करते हो तो आप वो यहाँ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जर्मन लोग हैं तो उसका जो पिछला पास्ट है वो सब भूल के बहुत आगे चले गए हैं, तो ये लोग पसंद नहीं करते, तो आप वो यहाँ पे बात नहीं कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे ऐसा रूल्स है कि अगर आपको कार लेते हो तो आपके वो नंबर प्लेट आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन डबल एस के जो साइन है डबल एस, तो आप डबल एस यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर जो आप में कार का नंबर खुद सिलेक्ट करना है तो उसमें डबल एस आ रहा है तो वो आपको नहीं मिलेगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ के रेफ्यूजीज़ के बारे में, अभी जो टॉपिक चल रहा है रेफ्यूजीज़ का, तो अगर आप रेफ्यूजीज़ के बारे में भी यहाँ ऐसे वैसे बात नहीं कर सकते कि कोई जर्मन लोग है तो उसको रेफ्यूजीज़ पसंद है, मतलब वो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो कोई जर्मन है उसके अगेंस्ट है, तो इससे अच्छा है कि हम लोग इंडियन है तो हम उसके बीच में पड़े ही नहीं, वो उनका है तो उसको देखने दो, तो हम उसका हम कुछ बात नहीं कर सकते। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर आपका अपने रूम में हो, अगर ये आपके होटल में हो, तो आप यहाँ से मतलब कहीं पे बाहर जा रहे हो तो बस आप वही ध्यान रखो कि आपके साथ अपना आईडी कार्ड हो और कैश कैरी करो। ये लोग वैसे तो जर्मन बहुत डेवलप्ड है लेकिन बहुत सारी जगह पे यहाँ पे अभी भी कैश का ही है, लेकिन वहाँ पे कार्ड नहीं चलता है, तो आप मेक श्योर कि आप थोड़ा कैश आपके साथ लेके चलो और आईडी तो भूलो ही मत, क्योंकि कोई लोग ने आपको रोक लिया और उसके आईडी आपके पास से उस लोगों ने मांगी तो आपके पास आईडी नहीं होगी तो वो आपके घर पे आईडी देखने भी आएंगे और उसका फाइन भी आएगा, क्योंकि उसका टाइम बिगड़ा और उसका मतलब खर्चा भी होया, तो वो लोग आपको बहुत बड़ा फाइन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ के ट्रैफिक रूल्स और हाईवे के बारे में। तो जर्मन के हाईवे में आप मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही है कि यहाँ पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहो उतनी गाड़ी तेजी से चला सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा रूल्स है कि अगर आप हाईवे पे जा रहे हो और कहीं पे भी आपने गाड़ी ऐसे ही रोक दी तो आपको बहुत बड़ा फाइन आ सकता है। इमरजेंसी के बिना आप कहीं पे भी गाड़ी नहीं रोक सकते हो, अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म होता है तो भी आपको फाइन आ सकता है, तो उससे अच्छा है कि आप जब गाड़ी कार चला रहे हो जर्मनी तो आप पेट्रोल चेक करके ही पहले चलाओ। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो सिटी में हाईवे होते हैं उसके बाजू में हम मतलब वॉकिंग के लिए और साइकिलिंग के लिए दो अलग अलग मतलब रोड होते हैं, तो अगर आप साइकिलिंग के रोड पे गलती से भी चल रहे हो तो वो आपकी गलती होगी, अगर साइकिल वाला आपको ठोक देता है तो वो आपके इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा, तो आप उससे अच्छा है कि अपने और ट्रैफिक का मतलब आप लाइसेंस बनाए जाओगे तब भी आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो लोग आपको बहुत पूछेंगे ट्रैफिक के बारे में कि अगर आप पेडेस्ट्रियन हो तो कैसे मतलब चलते हो, आप किस तरह से ध्यान रखते हो, तो बस यही ध्यान रखना कि अगर आप चलते हो तो आपका अलग रूट है और आपकी साइकिल है तो भी अलग रूट है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे रूहेजाइट होता है, रूहेजाइट मतलब साइलेंट जोन होता है, साइलेंट जोन रहता है मोस्ट ऑफ वीकेंड पे, संडे पे, और यहाँ पे हर रोज 10 से सुबह के रात के 10 से सुबह के 6 बजे तक साइलेंट जोन होता है। उसमें आप मतलब कुछ भी आपके नेबर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, अगर आपके नेबर को ऐसा लगता है कि आप उसको डिस्टर्ब करें तो वो आपको पुलिस बुलाएगा और पुलिस आपको बहुत बड़ा फाइन करेगी, और तो उसमें आप मतलब ड्रिलिंग भी नहीं कर सकते हो, वैक्यूम भी नहीं कर सकते हो और ब्लेंडर भी नहीं चला सकते हो, क्योंकि उसमें मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं यहाँ पे अभी तो यहाँ नए घर पे शिफ्ट हो गया हूँ, 1 महीना हो गया है, उससे पहले जब जहाँ मैं रहता था वहाँ हमारा ऐसा था कि हम लोग की शिफ्ट थी रात के 11:30 बजे ख़त्म होती थी, फिर हम लोग घर पे आते थे तो फिर खाना बनाते थे, तो क्या था हमारा जो नीचे वाला रहना था उन लोगों को बहुत डिस्टर्ब होता था, क्योंकि हम लोग किचन में चलते थे सब जगह 11:30 तक चलते थे,
तो उन लोगों को डिस्टर्ब होता, तो हमको वो बहुत बार वार्निंग दे गया था कि ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, हम पुलिस बुला लेंगे। लेकिन जब वो हमको आखिरी बार वार्निंग देने आया था तब हमने उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया था, तो कोई लोग अच्छे थे, तो वो शायद वो अमेरिका से थे, यूएस से थे, तो वो थोड़े सपोर्ट किया था उसने। लेकिन आप हर लोग, सब लोग ऐसे नहीं होते कि आप लोगों को या अगर आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो तो आपको पुलिस नहीं बुलाएगा, आप ध्यान रखना। और यहाँ पे अपॉइंटमेंट की भी बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि आप आपको जिसने अपॉइंटमेंट दी है आप उसको मिलने लेट पहुँचो तो आपको वो भी फाइन कर सकता है। और यहाँ फाइन इस तरह से होता है, जितनी आपकी सैलरी, मतलब आपकी सैलरी ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा फाइन आएगा, और आपकी सैलरी कम होगी तो आपको कम फाइन आएगा, और ये बहुत लूट लेंगे। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे इंटरनेट पे ऐसे आप कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते हो, परमिशन के, परमिशन नहीं मतलब कि जो पेड है वही ऐप आप यूज़ कर सकते हो, मतलब ऑथोराइज्ड है। क्योंकि आप, अगर मेरा एक फ्रेंड है उसने एक सॉन्ग डाउनलोड किया था ओनली 16 MB का, तो उसको 900 यूरो फाइन आया था। तो आप वो ध्यान रखना है, आप यहाँ पर कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका नाम है, हमारे इंडिया में कैसा होता है कि हम लोग अपने नाम के प्रिंस है, फिर प्रिंसेस है, एंजल है, और हमको अपना नाम पसंद नहीं आता है तो बड़े होकर हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आप अपने नाम प्रिंस, प्रिंसेस, एंजल, मतलब हमको जो कोई कुछ अलग फील हो ऐसा आप नाम नहीं रख सकते हो। यहाँ ऐसा ही रूल है कि आप सिंपल नाम रखो ताकि सब लोगों को समझ आए और सब क्लेरिफाई कर पाए, तो बस आपको ऐसा ही नाम रखना है। और पहले तो ये रूल था कि नाम लड़का, बॉयज़ या गर्ल्स का ऐसा नाम होना चाहिए कि नाम से ही पता चल जाए ये बॉयज़ है या गर्ल्स है, लेकिन अब तो वो रूल्स हट गया है। मतलब नाम के भी यहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स है, और आपको नाम चेंज करना है तो यहाँ बहुत बड़ा मतलब उसका लो है, तो सब उसमें से होना पड़ता है। इसीलिए कि आप पहले से ही ध्यान रखो कि आपका कोई नाम यहाँ क्या रखना है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ कुछ साइन है जो आप नहीं कर सकते हो, कि मतलब आप रिस्पेक्ट, सब लोगों की यहाँ पे रिस्पेक्ट मतलब करना ही है, क्योंकि कोई साइन है कि मैं आपको बताता हूँ ऐसे आप नहीं कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो वो सामने वाले को लगेगा कि हम मेरे को डम बुला रहा है, और वो आपके पर पुलिस केस भी कर सकता है, और उसको आपको बहुत बड़ा फाइन आ सकता है। फिर हम बात करते हैं प्राइवेसी की, तो प्राइवेसी में ये लोग बहुत मानते हैं, आप हर जगह पे ऐसा फोटो या वीडियो नहीं शूट कर सकते, आपको कहीं मॉल में भी नहीं कर सकते ऐसा। तो आपको फोटो और वीडियो शूट करना है मॉल में तो आपको पहले परमिशन लेनी होगी, अगर आपने ऐसा नहीं किया है और उन लोगों को पता चल गया तो वो पुलिस बुला सकते हैं और आपके पर फाइन कर सकते हैं। तो जर्मन वैसे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट कंट्री है, मतलब रूल के बारे में ये लोग बहुत स्ट्रिक है। फिर हम बात करते हैं गार्बेज के बारे में, तो गार्बेज का यहाँ कैसा है कि गार्बेज के जो हमारे हाउस होते हैं उसके बाहर मतलब 3-4 हाउस होते हैं, उसका सब मतलब मिक्स वो कचरे के डिब्बे होते हैं, तो उसमें आपको अलग अलग कचरे डालना है, मतलब सूखा कचरा है तो अलग, गीला है तो अलग, कोई कांच की बोतल है तो वो भी अलग डालनी है, कोई बैटरीज है तो उसका भी अलग है, उसमें डालना है। क्योंकि आपने सब मिक्स डाल दिया तो आपको बहुत बड़ा फाइन आ सकता है, 600 से 700 यूरो आपको फाइन आ सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, अगर आपने बिना टिकट ट्रैवल कर रहे हो तो टिकट आती है सिर्फ 6 या 8 यूरो की टिकट आती है, लेकिन आपने बिना टिकट ट्रैवल किया और उन लोगों ने पकड़ लिया तो 60 यूरो फाइन आ सकता है। अभी तो ऐसा है, अगर आपने मास्क नहीं पहना है मतलब ट्रांसपोर्ट में तो भी आपको 60 यूरो फाइन आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे इंडिया में भी ऐसा ही है कि अगर आपने अपने से कोई बड़ा है तो हम उसको सम्मान देते हैं, आप या मतलब आपके बड़ा है तो ऐसे बुलाते, और अपना कोई दोस्त है तो यहाँ से तू मैं चलता है। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही है, अगर हमारे इंग्लिश में कैसा है, यू कोई बुलाते तो यू तो चलता है, बड़े को भी आप यू बुलाते हो और छोटे को भी यू ही कहते हो, तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ यू मतलब जर्मन में यू का दो है, अगर जर्मन में कोई फ्रेंड है उसको बुलाना है तो यू तो बुलाना चाहते हो तो डू बोलना होगा, और मतलब आपसे कोई बड़ा है, मतलब आप कोई भी गवर्नमेंट का काम है तो वहाँ पर उसकी ऑफिस में जा रहे हो तो आपको बस उसको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जी करके बुलाओ, जी मतलब यू फॉर्मल और यू इनफॉर्मल, तो यहाँ पे इस दो टाइप के होते हैं, यू फॉर्मल मतलब जी एंड यू इनफॉर्मल मतलब डू, तो बस आप वो ध्यान रखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई आपका फ्रेंड या और कोई रिलेटिव है वो जर्मनी आना चाहता है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी लोग ये इसके बारे में, रूल्स के बारे में जान सके। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप जब जर्मनी आते हो पहले से सब रूल्स के बारे में जान लो, ताकि आपको यहाँ बड़ा फाइन भरना ना पड़े, इससे आप बच सको। तो मेरे वीडियो को बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और देखते रहना मेरे यूट्यूब चैनल भार्गव इन जर्मनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।